राजकुमारी मिनट। कहीं दूर एक जगह जहां बेरी संतरों से भी बड़ी उगती थी, वह एक छोटी सी राजकुमारी रहती थी जिसका नाम था राजकुमारी मिनट। उसे इस नाम से इसलिए बुलाया जाता क्योंकि वो जो कुछ भी करती उसके हर मिनट का हिसाब रखती। ओह, ये तो अरे नहीं, आज बाल बनाने में मैंने 2 मिनट ज्यादा बिता दिए। ये तो समय की बर्बादी हुई, मुझे इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। अरे नहीं, एक और मिनट बर्बाद होने वाला था। राजकुमारी मिनट कितनी अजीब है। हाँ, एक बात कहूँ, उनके कद के हिसाब से वो एक शासक कभी नहीं बन पाएंगी। राजकुमारी मिनट जानती थी कि लोग उसके बारे में क्या सोचते थे, पर वो जरा भी परवाह नहीं करती थी। लेकिन कभी कभी उसे सच में बुरा लगता। तुम समझ रहे हो ना टोनी, वो सही है, मैं शासक कैसे बनूंगी। जरा मेरे कद की ओर देखो, मैं किस पर राज करूंगी, एक झाड़ी पर? मैं तो एक बड़े पौधे जितनी भी लंबी नहीं हूँ। चलो चले टोनी, वो झुमके खरीदते हैं जो मुझे पसंद हैं, शायद मेरा मूड अच्छा हो जाए। लेकिन दुकान पहुँचने में हमारे पास सिर्फ 13 मिनट है, चलो जल्दी चलते हैं। अपने खास दोस्त टोनी पर सवार होकर राजकुमारी मिनट बाजार तक पहुंची। जब उसने एक बिल्ली को सुना जो जोर जोर से चिल्ला रही थी। ओ चलो टोनी, हमें आगे बढ़ना चाहिए, अगर हम रुक जाएंगे तो समय पर नहीं पहुंचेंगे। हम समय बर्बाद कर रहे हैं। वैसे ये राजकुमारी का एक और पहलू था, वो एक अच्छी और धैर्यवान लड़की थी, लेकिन लोगों से ज्यादा उसे समय की परवाह थी। जितना चाहो उतना ले सकते हो, हमारे पास मिठाइयों की कमी नहीं। अरे देखिए तो सही, कितने नरम और मुलायम हैं। रात भर आप इस पर अच्छे से सोते रहोगे। हमारे कालीनों में आकर्षक और इम्पोर्टेड कपड़े हैं साहब, इन्हें छू कर देखिए। क्या ये कालीन उड़ते भी हैं? अगर इन पर एक बंदर सवार होकर जाए तो शायद। क्या कहा? लगता है मेरा मजाक किसी को समझ में नहीं आता। झुमके, चमकदार झुमके। आज यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? अगर मुझे पता होता तो मैं अपने नौकरों को। आहा, मेरे पसंद का। आओ, एक्सक्यूज मी, इसे खरीदने के लिए मेरे पास सिर्फ 6 मिनट है। हेलो। क्या तुम मुझे वो चूड़ियाँ दे दोगे? नहीं, मुझे वो चाहिए। बिक गया। ओह, वो पायल मेरी बीवी पर बहुत सुंदर लगेगी। नहीं, मैं राजकुमारी हूँ, मेरी बात सुनो। बिक गया। नहीं। एक मिनट, क्या ये हमारी राजकुमारी है? हाँ? आखिरकार, हाँ। और मैं अपने लिए कुछ चूड़ियाँ और पायल खरीदने आई हूँ। माफ कीजिए राजकुमारी, लेकिन मैंने आपको वहाँ खड़ा देखा नहीं, और अब मेरे पास कुछ बेचने के लिए है भी नहीं। कोई बात नहीं, तो मुझे कोई छोटे झुमके ही दे दो। माफ कीजिएगा राजकुमारी, लेकिन सारे झुमके भी बिक गए हैं। अगर मुझे पता होता कि आप यहाँ आएंगी तो मैं आपके लिए बचा कर रखता। मैं आपको देख और सुन नहीं पाया, बस इसीलिए मैं। एक बार बोल दिया तो काफी है, दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं। मुझे पता है आपने मुझे देखा नहीं क्योंकि मैं छोटी हूँ। राजकुमारी, मेरा वो मतलब नहीं था। लेकिन जो होना था वो हो गया। किसी को पता नहीं चला क्या हुआ, पर राजकुमारी मिनट कई दिनों तक अपने कमरे में ही रही। आखिरकार एक परी उससे मिलने आई। हेलो बेटा,
आप कौन हैं? जब आंसू बहने लगते हैं मैं तब आती हूँ। हाँ, आप एक नैपकिन तो नहीं लग रही। अरे नहीं, मैं मुस्कुराहट की परी हूँ। मैं तुम्हें एक मुस्कान देने आई हूँ। चली जाओ। अगर आप चाहती हैं कि मैं मुस्कुराऊं, तो मुझे लंबा बना दो। मैं अपने कद से परेशान हो गई हूँ। आप ऐसा कर सकती हैं? वैसे तुम्हारी परेशानी की वजह तुम्हारा कद नहीं है। क्या मतलब है आपका? हाँ, कभी कभी समझाने से अच्छा दिखाना ज्यादा जरूरी होता है। क्यों ना एक काम करें? मैं तुम्हारा कद बड़ा नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुम्हें 3 तोहफे दे सकती हूँ जो तुम्हारी मदद करेंगे। मुस्कुराहट की परी ने राजकुमारी को एक अखरोट, एक क्लिप और एक पंछी दिया। पर मैं इसका क्या करूँगी? ये जादुई तोहफे हैं। तुम इनमें से हर चीज को एक बार जब भी चाहो इस्तेमाल कर सकती हो, लेकिन अगले 48 घंटे तक तुम दोबारा इनका इस्तेमाल नहीं कर सकती, और तभी इनके जादू का असर होगा और तुम्हारा कद बढ़ता जाएगा। वाओ, मुझे बस 48 घंटों तक इसका इस्तेमाल नहीं करना होगा। वैसे भी मुझे समय की गिनती करना पसंद है। बहुत मजा आएगा। राजकुमारी मिनट खुशी से पागल हुई। वो अपने कमरे से बाहर आई और सबसे मिली। वो पूरे दिन खुश थी, लेकिन बाद में एक आदमी भागते हुए राजा के पास आया। महाराज, घाटी के बांध में दरार आ गई है। पानी बहकर हमारे गांव में आ रहा है। अगर सुरक्षा बांध भी टूट जाएगा तो कम से कम 30 गांव डूब जाएंगे महाराज। क्या? राजा, राजकुमारी मिनट और उनकी सेना तुरंत रवाना हुए। हर कोई गांव को खाली करने में मदद कर रहा था। अब करने को कुछ नहीं बचा है। हमारा सारा सामान चला जाएगा, हमारा घर और हमारी यादें। हम नई शुरुआत करेंगे। हम हर चीज में तुम्हारी मदद करेंगे। बचाओ! राजकुमारी मिनट को कहीं दूर से एक औरत की मदद मांगने की पुकार सुनाई दी। वो अपने घोड़े पर सवार हुई और बिना वक्त बर्बाद किए उसे बचाने के लिए निकल पड़ी। नहीं राजकुमारी, वहाँ खतरा है। क्या हुआ? मेरे बच्चे, वो पानी में बह गए। राजकुमारी घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ये जादुई तोहफे हैं। तुम इनमें से हर चीज को एक बार जब भी चाहो इस्तेमाल कर सकती हो, लेकिन अगले 48 घंटे तक तुम दोबारा इनका इस्तेमाल नहीं कर सकती, और तभी इनके जादू का असर होगा और तुम्हारा कद बढ़ता जाएगा। मेरे कद का क्या फायदा अगर मैं उन बच्चों को बचा ना पाऊं? राजकुमारी ने पानी में एक आधा अखरोट फेंका, इस उम्मीद में कि जादू काम करेगा, और वो कर गया। अखरोट एक बड़ी लकड़ी की नाव में बदल गया और बच्चों को उसमें लेकर आया। मम्मी! ओ राजकुमारी, आप सबसे महान हो। आपने मेरे बच्चों की जान बचाई। राजकुमारी साहिबा, पानी हमें ऊपर तक बहाकर ले गया, घाटी के ऊपर तक। पानी रुकने वाला नहीं। घाटी पर जो बांध है वो टूट रहा है, और अगर उसे ठीक नहीं करेंगे तो पूरा गांव डूब जाएगा। राजकुमारी मिनट अपने घोड़े पर सवार हुई और घाटी पर चढ़ने लगी। अजीब बात थी कि टोनी, जो मुश्किल से चलता था, अब वो एक तंदुरुस्त घोड़े की तरह दौड़ रहा था। ठीक यहाँ टोनी, देखो तो सही, हमें बांध को ठीक करना होगा। सिर्फ मेरे पास जादुई तोहफे हैं,
मुझे कोशिश करनी होगी। राजकुमारी ने अखरोट के दूसरे हिस्से का इस्तेमाल किया और होश को बांध के करीब ले गई। जादुई अखरोट पानी में बिना डगमगाए सीधे बांध की तरफ बढ़ने लगा। उसने क्लिप के सिरे से बांध को पकड़कर एक साथ लाया और जादू ने काम किया। बांध की मरम्मत नए जैसे हो गई। ये टोनी, क्या तुमने वो देखा? आसपास कोई नहीं था जो राजकुमारी के प्रयासों के लिए तालियां बजाने वाला था, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। उसे सिर्फ अपने राज्य की परवाह थी। राजकुमारी वापस नीचे गई ये देखने के लिए कि जो उसने किया उससे कोई मदद हुई कि नहीं। गांव बच गया और पानी भी शांत हो गया था। आखिर बात क्या है? मेरा पपी मोंटी कहीं नहीं मिल रहा, कहीं वो डूब तो नहीं गया? क्या? नहीं पंछी, अब तुम्हारी बारी है। वहाँ उड़कर जाओ और पपी को वापस लाओ। जाओ। काफी समय बीत गया और पंछी ने अपना काम पूरा किया। मोंटी! राजकुमारी, मैं आपके आगे नमन करता हूँ। राजकुमारी की जय हो। हाय राजकुमारी, वो जादुई तोहफे कहाँ हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? ओह, कैसी हो? मुझे सारे तोहफे इस्तेमाल करने पड़े। तुमने सारे इस्तेमाल कर दिए? अब मैं तुम्हारे कद को ऊंचा कैसे करूँगी? दरअसल बात यही तो है परी, मैं अपना कद बढ़ाना नहीं चाहती। किसी ने कहा है मैं महान हूँ, और सच कहूँ तो अगर मैं लोगों की जान जोखिम में डालकर अपना कद बढ़ाती हूँ तो फिर मैं जैसी हूँ वैसी ही ठीक हूँ। तुमने इंसान बनने के मायने को सही तरह से समझ लिया है बच्ची। ये तुम्हारे कद के बारे में कभी था ही नहीं, ये तो उस बारे में था कि तुम्हारा दिल कितना सच्चा है। वैसे कहना पड़ेगा मेरे तोहफे काम आए हैं। अलविदा राजकुमारी। हाँ? राजकुमारी मिनट दोबारा उस परी से कभी नहीं मिली, लेकिन वो समझ गई जो वो कहना चाहती थी। अब राजकुमारी मिनट को हर कोई देखता, सुनता और उसकी प्रशंसा भी करता। अब वो मिनट गिनने वालों में नहीं जानी जाती थी, बल्कि उसकी गिनती जिंदगियां बचाने वालों में गिनी जाती थी। तो दोस्तों, आज आभारी नहीं रहने का आपका क्या बहाना है?